मधेपुरा आए हुए हैं, तो उसमें जो वही जो एक बार फिर से दिखाए थे हम कि CH12 जो एरर आ रहा था वो कभी आता है कभी नहीं आता है, हफ्ता भर चलता है ठीक ठाक फिर किसी दिन आ जाता है। तो उनका PCB और सेंसर लेकर के हम आए हैं, और अपने घर से पहले हम सहरसा गए, सहरसा 40 किलोमीटर पड़ता है, और सहरसा जाने के बाद फिर हम मधेपुरा आए हैं। तबीयत मेरा थोड़ा सा ख़राब है, और आते टाइम बिरनी भी मिल ली हमको आँख के पास, तो दवाई तो हम ले लिए हैं, लेकिन यहाँ आए हमको आधा घंटा हो गया अभी, अब जाने कितना और टाइम लगेगा। यहाँ पर जो अभी विधायक सब का मीटिंग हो रहा है, काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं BN मंडल यूनिवर्सिटी में, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद देखते हैं इनका सब खाली कर देंगे, खाली हो जाएगा रूम, उनके बाद जाएंगे, तो अभी हम सिर्फ वेट करेंगे। लगभग दो घंटा के बाद ये मीटिंग ख़त्म हुआ है, अब हम AC चेक करेंगे। PCB और सेंसर सब लेके आए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट जो है बिना देर किए इनका PCB प्लस सेंसर मतलब कंट्रोल बॉक्स ही हम चेंज करेंगे। नीचे से काफ़ी हाइट पड़ जाता है AC का, तो सीढ़ी जो जाकर के लाए हैं सारा चीज़ अकेले ही करना पड़ता है। यहाँ के स्टाफ को भी अगर कुछ बोलेंगे कि थोड़ा सा ये मंगवा दीजिए या ये कहाँ है वो कहाँ है, पूछने पर कोई उतना रिस्पॉन्स नहीं लेता है, सब अपने अपने काम से मतलब है। हम PCB बॉक्स को जो है पूरा का पूरा खोल के नीचे उतार लेंगे, और नीचे ही हम PCB इसमें चेंज करेंगे प्लस सेंसर चेंज करेंगे। तो पहले हम बॉक्स को खोल लेते हैं आराम से। तो कंट्रोल बॉक्स जो है ये हम नीचे उतार चुके हैं, और इनमें से अब PCB को निकाल करके नया वाला PCB जो है वो लगाएंगे, उनके साथ जो सेंसर लाए हैं वो भी लगाएंगे। दूसरा नया वाला जो PCB है ये रहा सामने, सेम टू सेम है, तो उनको निकाल के इनको अब उसमें फिट करना है। बॉक्स के अंदर नया PCB और सेंसर लगाने के बाद अभी हम चढ़ गए हैं लेकर के बॉक्स को ऊपर फिट करने के लिए। अब अच्छे से फिट करके फिर हम चला करके देखते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम दूर हुआ या नहीं। तो PCB बॉक्स जो है फिट हो चुका है, अब हम यहाँ पावर प्लग लगाकर ऑन कर दिए हैं, और चढ़ के देखते हैं। AC में लाइट दिए हैं, AC में लाइट आ रहा है, लेकिन डिस्प्ले जो है आधा आ रहा है और कोई हरकत नहीं कर रहा है, मतलब चल ही नहीं रहा। हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि डिस्प्ले का जो जैक 2 होता है वो सही से लगा नहीं है, तो उसी को जो हम निकाल के फिर से लगा रहे हैं, हो सकता है वो ढीला रह गया या सही से लगा नहीं हो। हम बहुत कोशिश किए, 4 बार 5 बार डिस्प्ले का तार जो है हम निकाल के लगाए, फिर भी नहीं आया, तो पैक कर दिए। अब इसमें नया डिस्प्ले लगे तो लगे, नहीं तो यूनिट ही चेंज होगा। तो यहाँ ये AC जो ठीक नहीं हो पाया, इसमें अभी भी अब तो डिस्प्ले पे कुछ आ ही नहीं रहा, आधा डिस्प्ले आ रहा है और काम ही नहीं कर पा रहा है, उनको लग रहा है डिस्प्ले पे भी प्रॉब्लम हो गया, तो डिस्प्ले अगर चेंज हो जाए तो ठीक हो सकता है, हो जाएगा।